subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. जिन लोगों ने भी इस मामले पर अब तक देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मुख्यत्वे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है, इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सब चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर बूम लगाने लगे तो जनता कभी नहीं मानेगी कि चौकीदार चोर है। आज सिद्ध हो गया है, चोर की बूम वही लगाते हैं जिनको चौकीदार का भय है। आज साबित हो गया है कि बूम लगाने का कारण, चिल्लाने का कारण इनके अंदर का भय है। और राहुल गांधी जी को मैं एक सलाह भी देना चाहता हूं कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, कीचड़ उछाल लो, स्वयं पर ही गिरती है, सूर्य का तेज कभी भी कम नहीं होता है। इस बात को नसीहत माने और आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बचकाना हक स्टाइल के आरोपों से बचते रहे तो शायद उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में उनको थोड़ी मदद मिलेगी। As we speak about the Supreme Court, the verdict which has come out today, the Congress maintains that they have not got any answers from the government. The answer is that is the government ready for a JPC or not? Well, the deaf will never receive an answer. They can't hear it. You see, people incapable of understanding serious issues in depth tend to rely more on slogans than on substance. And that's my understanding of his entire politics, and so too of this statement.